नमस्कार फ्रेंड्स, ये है कमाल की चीज़। ये आपकी ज़िंदगी में धन संपदा को बढ़ाने वाली है, आपके घर में सुखों को लाने वाली है, आपके घर से लड़ाई झगड़े को कोसों दूर भगाने वाली है। पति-पत्नी संबंधों में अगर दिक्कत है तो ये कमाल की चीज़ है। यदि कोई आपको बहुत शत्रु बहुत हो रहे हैं तो भी ये कमाल की चीज़ है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दें। आज के वीडियो में जो जानकारी देने जा रही हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा हित की है और इसके लिए किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं है। जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको अपने ग्रह नक्षत्र पता नहीं है, तो वो कुछ खास समस्याओं के चलते इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग धन प्रदायक है। इसका प्रयोग जो भी मनुष्य करता है उसके घर में धन संपदा निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपका विश्वास होना ज़रूरी है। जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो कोई भी उपाय ना किया करें। जिनको विश्वास है और आस्था है वो ज़रूर करें, क्योंकि उनके काम तो बनने ही बनने हैं। किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। घर की चीज़ों से ही मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको समृद्धि देने वाली है। कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस घर की कुछ चीज़ों का प्रयोग करके आप सब कुछ पा सकते हो, संपन्न हो सकते हो। आपकी गिनती सम्माननीय लोगों में होने लगती है। आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने लगती है। मित्रों, क्या होता है कि समाज में कई बार ऐसा होता है कि आपके खुद के ही ग्रह खराब होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आचरण होता है वो दूसरों के प्रति नेगेटिव हो जाता है। आप कई बार बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो, और जो कि सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब जो संदेश आप अपने मन में सोचकर दूसरों तक भेज रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो, वही स्थिति उनको वैसा बनने को बाध्य कर देती है। एक मनुष्य के बारे में आप लगातार सोच रहे हो कि वो बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो वो बुरा नहीं भी होगा ना, तो भी वो बुरा हो जाएगा, और कम बुरा है तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो जो बुरा है उसके लिए अच्छा सोचो तो वो स्थिति फिर सही होने लगती है और वो व्यक्ति आपके हिसाब से होने लगता है। यही सबसे बड़ा फंडा है। आप जैसा सोचोगे ना वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर शत्रुओं की संख्या कम करना चाहते हो, प्रेम का प्रसार करना चाहते हो, धन वर्षा करना चाहते हो, तो वही चीज़ आप चिंतन में लाया करो, बाकी की चीज़ें आप मत सोचा करो। चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं जो आज आपसे शेयर कर रहे हैं। ये है बूरा। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, वो नहीं लेनी है, ये बूरा ही है। देशी खांड क्या बोलते हैं इसको, ये बूरा होता है जो कि लड्डू वगैरह बनाने के काम में आता है, और ये बहुत ही अमेजिंग है। यदि आपको धन संपदा का क्षय हो रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपके घर में आप सुखों को नहीं भोग पा रहे हो, आपको मान प्रतिष्ठा भी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है। चावल के आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के उनको बॉईल कर लेना है। 6 गोली ले लेनी है, और उसमें फिर आप इस बूरे को छिड़क कर और थोड़ा सा देसी घी डालकर कौवों को खिला दीजिए। 6 कौवे खाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा और धन संपदा और बरकत आपको मिलने लगेगी। आप इसको अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र जप के इस बूरे को अभिमंत्रित कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये लड्डू बना के उस व्यक्ति को खिला सकते हैं। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके हिसाब से काम करने लगेगा, लेकिन इसका गलत प्रयोग ना करें। इसके अलावा बूरे में थोड़ा सा खोपरा मिलाकर और थोड़ा सा आटा मिलाकर अगर आप चींटियों को डालते हैं तो आपके रोजगार के संकट भी दूर होते हैं और घर में धन संपदा आती है। इसके अलावा थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और थोड़ा सा ये बूरा मिला लें, उसका एक अच्छा खासा घोल मिला लें, और अगर आपके घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई होती है तो एक कटोरी में जिस तरह से आप नमक भर के रखते हैं ना, उसकी जगह पर आप ये पानी भर के रखें, बूरे का पानी रखें। जहाँ भी लोग बैठते हैं वहाँ पर एक प्याले में या प्लास्टिक का बर्तन मत लीजिएगा, उसमें आप बूरे का पानी भरकर रख दो, तो ये चीज़ भी समाप्त होती है। इसके अलावा सुबह सुबह आप एक चुटकी बूरा उठते ही खुद खा लेते हो, थोड़ा सा चूस लेते हो उसको, तो भी आपके अंदर एक अच्छी सी शक्ति का वास होता है और आपके द्वारा कोई ऐसी बात मन में नहीं आती है जिसकी वजह से आप खुद ही परेशानी में पड़ जाओ। इसके अलावा ये जो बूरा होता है ना, इसकी रोटी बनाकर अगर मंगलवार के दिन किसी गरीब को खिलाते हो तो किसी भी तरह का जो कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा है, कोई एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, उसकी भी समाप्ति होती है। इसके अलावा आप इसको इसके जो छोटे छोटे पनीर के साथ में इसको पनीर को बना मतलब मैश कर लीजिए, उसके साथ में इसको बूरे को मिला लीजिए, और इसके बाद किसी विधवा स्त्री को इसका दान कर दीजिए,
पनीर वाली मिठाई का, तो आपके घर में अथाह पैसा आने लगेगा। मुसलमान के पैर छूकर आशीर्वाद भी लीजिए। तो इस तरह से ये जो शुक्र को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और शुक्रवार के दिन इसको खीर में डालकर, अगर आप चीनी की जगह बूरे को थोड़ा सा डालकर आप खीर बना के सभी सदस्यों को खिलाते हो, तो घर के हर सदस्य के पास पैसा होता है, हर सदस्य की जो जेब है नोटों से भरी रहती है, आपकी तिजोरी नोटों से भरी रहती है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग है आपके बहुत काम का है मित्रों, तो ज़रूर इस प्रयोग को कीजिएगा। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपनी कुंडली का परामर्श भी लीजिए, कुंडली का परामर्श बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ होता है, किसी प्रकार के रोग का खतरा नहीं होता है। इसके अलावा आपकी बात पूर्ण रूप से यहाँ पर गुप्त रखी जाती है, किसी को भी पता नहीं चलता कि आप किससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और उपाय जो हैं वो पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से करिए। क्योंकि आप जब 10 लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं तो वैसे रोगों का खतरा भी रहता है, और इसके अलावा जो आपकी बात है वो भी गोपनीय नहीं रहती है। कल को आप अपने बेटा बेटी की शादी करने कहीं जाते हैं और वहाँ वही लोग मिल गए जो कि वहाँ कुंडली दिखाने गए थे, उस भीड़ भाड़ में आपको मिले थे, तो आप कोई भी बात, एक तरह से आपके घर की बात गुप्त नहीं रहती है कुल मिला के, तो वो आप कई बार संकट भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए पूर्ण रूप से गुप्त रूप से काम करें, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कहाँ कुंडली दिखाई, किसको दिखाई, क्या आप उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ कि शुक्रवार के दिन घर में चावल बनाना अच्छा होता है, शुक्रवार के दिन जौ की रोटी बनाना अच्छा होता है, शुक्रवार के दिन कोई भी सफ़ेद मिठाई आप अगर गाय को भी रोटी पे रख के खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, मिलता है। सफ़ेद गाय की सेवा इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। सफ़ेद गाय की पीठ पर 1 मिनट भी अगर आप हाथ फिरा लेते हैं तो काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है समाप्त हो जाती है, रोगों का भी शमन होता है। तो इस तरह से शुक्रवार के दिन का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है, और इस दिन धन संपदा बनाने के लिए जो प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन आप श्री यंत्र की पूजा भी जरूर करें, कनक धारा यंत्र भी मार्केट में मिलता है तो उसको भी आप जरूर अपने पूजा स्थान में रखें, इससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है मित्रों, सिर्फ इतना करके देख लो। और श्री सूक्त का पाठ करो आप, अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा कामना है, ये सब उपाय करने के साथ साथ आप 11 पाठ श्री सूक्त के करो। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन सफ़ेद चीज़ ज़रूर खाओ और खटाई मत खाओ, तो बिना व्रत किए ही आपको पूर्ण फल मिलेगा व्रत का। और इस दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े जो आपने एक बार पहने थे फिर वो रख दिए, फिर दोबारा उन्हीं को बिना धोए पहन लिया, तो ऐसा करने से शुक्र मतलब परेशान होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए जब भी कपड़े पहने तो धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहने। इसके अलावा जो टॉवल होते हैं ना, टॉवल में कभी भी चिकनापन या गंदगी दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा करने से दोष पनपता है और शुक्र खराब होता है। तो टॉवल हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए, रुमाल हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए, मोजे हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप अपने पिलो कवर भी सफ़ेद रंग के रखिए, और एकदम चमकीले बिल्कुल शाइनिंग मारते हुए सफ़ेद रंग के पिलो कवर लगाते हैं, उससे भी शुक्र प्रसन्न होता है। सफ़ेद रंग के पर्दे चाहे तो एक ही दीवार पर लगा दीजिए, जैसे भी लगाइए, पर सफ़ेद रंग के पर्दे लगाने से भी शुक्र प्रसन्न होता है। जो लेस वाले और जो जाली वाले कपड़े होते हैं, नेट वाले कपड़े होते हैं, उनको पहनने से भी शुक्र प्रसन्न होता है। इसके अलावा घर में अगर आप सबसे प्यार से बात करते हैं, मधुरता बनाए रखते हैं, आपके घर में किसी भी जगह पर गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई है, तो भी शुक्र प्रसन्न होता है।